हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. वंस अगेन वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कॉन्सेप्ट बाय अचना विश्वकर्मा. नाउ इट्स मी साइनिंग इन. होप यू ऑल आर गुड. कैसे हैं आप सभी? बेटर होंगे. चलिए, हमारा एपीसी वन का ही प्रोजेक्ट चल रहा था. अभी आज की डेट में हम थर्ड प्रोजेक्ट देख रहे हैं. थर्ड प्रोजेक्ट में इन्होंने टॉपिक्स जो भी हैं आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है. मैं आपको वैरायटी दे रही हूँ यहाँ पे, बाकी आपकी जैसी इच्छा आप वैसा प्रोजेक्ट बना सकते हैं. तो प्रोजेक्ट ऑन एपीसी वन, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन द टेक्स्ट, प्रोजेक्ट 1, 2, 3, और उससे रिलेटेड इमेजेस लगा रखे हैं. देन साइड में आपका सबमिटेड टू एंड सबमिटेड बाय नेम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, देन सेशन. ओके, ओपन द फाइल. ये फ्रंट पेज है इनका, फर्स्ट पेज है, ठीक है. इसके बाद इनका इंडेक्स है. तो इंडेक्स में इन्होंने फुलफिलमेंट किया है, एक्नॉलेजमेंट से स्टार्ट किया है, प्रोजेक्ट 1 के बारे में बताया है, देन प्रोजेक्ट 2 के बारे में बताया है, इसके बाद आपका प्रोजेक्ट 3 के बारे में बताया है. तो इन्होंने पूरा डिटेल इंडेक्स भर दिया है, जो काम आपको भी करना है. यहाँ से स्टार्ट होता है इनका फर्स्ट पेज. इनका जो फर्स्ट पेज है वो एक्नॉलेजमेंट है, ठीक है. तो इन्होंने इसको कंप्लीट किया. आप भी ऐसे बना सकते हैं, ये क्रिएटिविटी है, ठीक है. यहाँ पे इनका फर्स्ट प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट नंबर 1 लिखा हुआ है और नेशनलिज्म इन इंडिया लिखा हुआ है, ठीक है. तो बहुत अच्छे से फ्लावर वगैरह सब लगा रखा है, आप भी इसको करिए. फिर ये इनका प्रोजेक्ट 1 है, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन लैंग्वेज एंड लिटरेचर. इस प्रोजेक्ट को देखेंगे. फिर ये लैंग्वेज के बारे में बताया इन्होंने, ये लैंग्वेज के बारे में बताया हुआ, पूरा डिटेल दे रखा है, आप इसको लिख सकते हो. काफ़ी सुंदर राइटिंग में लिखा हुआ इन्होंने, ठीक है. फिर नेक्स्ट पेज की बात करते हैं, तो डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज की बात की है, ओके. फिर नेक्स्ट पेज में कंटिन्यू करते हैं, तो लिटरेचर की बात की है. फिर लिटरेचर से रिलेटेड यहाँ पे एक इमेज लगा रखी है, ठीक है. फिर हम नेक्स्ट पेज को मूव करते हैं, आप इसको देख सकते हैं. फिर इसके बाद है डिफरेंस इन द लैंग्वेज एंड द लिटरेचर, हम इसको देख सकते हैं, ठीक है. मूव ऑन द नेक्स्ट पेज, इसी को कंटिन्यू किया है, इनका डिफरेंस क्लियर होता है. फिर नेक्स्ट पेज पे आते हैं, तो नेक्स्ट पेज में फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन लैंग्वेज इन लिटरेचर, इसको पूरा थियोरेटिकल फॉर्म में दिया हुआ है और इसी से रिलेटेड इन्होंने यहाँ पे इमेज लगा रखी है. तो ये इमेज देख सकते हैं, और आप इनका प्रोजेक्ट ऐसे जा रहा है तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है. फिर राइटर्स एंड पोएट्स की बात की है, तो यहाँ पे उनकी थ्योरी लिख रखी है. और इस वाले पेज पे हम आएंगे, तो ये देखिए इन्होंने इमेज लगा रखी है किसकी, हरिवंश राय बच्चन की, जो कि बहुत ही अच्छे क्या हैं, राइटर और पोएट हैं. आप इनको देख सकते हैं, ठीक है, और इनका डिटेल लिख सकते हैं. मूव ऑन द नेक्स्ट पेज, तो इन्होंने नेक्स्ट पेज की बात की है, सारा बताया हुआ है इनका क्या क्या है, डिटेल बैकग्राउंड. फिर यहाँ पे इनका मधुशाला और ये सारे रिलेटेड जो भी है वो इमेजेस दे रखी हैं, आप इसको भी पेस्ट कर सकते हैं लेकर. फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट है आपका, यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है. फिर यहाँ से देख सकते हैं, नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं, तो इन्होंने रामविलास शर्मा जो भी है उनका बताया हुआ है, इसको लिखा हुआ है. फिर यहाँ पे देखिए, तो इन्होंने इतनी अच्छी सी इमेजेस लगा रखी हैं, आपको ये लिए इमेजेस हेल्प करेंगे. तो इनका लेफ्ट साइड वाला पेज है, फिर इसी पेज को इन्होंने यहाँ पे कंटिन्यू करा हुआ है. ये है मूव ऑन द नेक्स्ट पेज, तो देखिए नेक्स्ट पेज में इन्होंने ये इमेज लगा रखी है, ठीक, और इन्हीं के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है लिखने के लिए, आप उसको देख लीजिएगा ना. फटाफट करते हैं क्योंकि यहाँ पे 3 प्रोजेक्ट है, तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा. तो आप इसको देख लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा. आई थिंक इनका ये फर्स्ट प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, ठीक है. अब हम मूव करते हैं इनके सेकंड प्रोजेक्ट पर. प्रोजेक्ट 2 है जो इनका, स्टेटस ऑफ इंडियन वुमेन, इन्होंने स्टेटस की बात की है भारतीय महिलाओं की. फिर नेक्स्ट है आइडियल इंडियन वुमेन इन द फील्ड ऑफ द लैंग्वेज, इसके बारे में बात की है. इनका प्रोजेक्ट नंबर 2 है, तो स्टेटस ऑफ वुमेन बताया है इन्होंने एंशियंट इंडिया में. फिर स्टेटस ऑफ वुमेन इन एंशियंट इंडिया, उससे रिलेटेड इमेजेस हैं. फिर ये आप यहाँ से देख सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं. मूव ऑन द नेक्स्ट पेज, मिडिवल पीरियड, मॉडर्न पीरियड, और उसी से रिलेटेड यहाँ पे इन्होंने इमेजेस पेस्ट की है मिडिवल और मॉडर्न पीरियड की. इसकी हिस्ट्री दी है, थ्योरी दी है, थ्योरी आप देख लीजिएगा. फिर नेक्स्ट है फेमस इंडियन वुमेन्स राइटर्स, उसके बारे में बात की है अनिता देसाई. इससे रिलेटेड मैंने एक और प्रोजेक्ट अपलोड किया हुआ था, वहाँ पर भी देख सकते हो, वो हिंदी में था. अभी ये प्रोजेक्ट आपका इंग्लिश में है, तो आप दोनों मीडियम से बिलोंग करते हैं, हिंदी इंग्लिश, जो भी आपका मीडियम है आप देख सकते हैं, है ना. और नेक्स्ट पेज है हमारा ये, दैट इज़ अरुंधति रॉय, है ना. इनका पूरा डिटेल दे रखा है, आप यहाँ से इजी वे में लिख सकते हैं देखकर और हेल्प ले सकते हैं. मूव ऑन द नेक्स्ट पेज, तो नेक्स्ट पेज में भी इन्होंने अनिता नायर की बात की हुई है, इसको देख लीजिएगा. महादेवी वर्मा, इससे रिलेटेड इन्होंने हमें इमेज पेस्ट की हुई है, इसको कंटिन्यू किया हुआ है. तो आप वीडियो पॉज करके देखना चाहते हैं पॉज करके देख लीजिएगा, जैसे देखना चाहते हैं वैसे देखना चाहते हैं, आपकी इच्छा, आप हेल्प लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है. फिर ये इन्होंने सारे पोएट की फोटो लगा रखी है, ओके. मूव ऑन द नेक्स्ट पेज, यस नेक्स्ट पेज मूव किया, तो ये पूरा इन्होंने इसको ख़त्म किया. फिर यहाँ सरोजिनी नायडू का फोटो लगा रखा है, ओके. फिर यहाँ पे इन्होंने एक शशि देश पांडे की फ़ोटो लगा रखी है, इसके बारे में बताया इन्होंने, क्योंकि राइटर फेमस राइटर है,
नेक्स्ट ईयर। तो ये प्रोजेक्ट इनका कंप्लीट होता है। अभी हम इनके प्रोजेक्ट थ्री की बात करते हैं। तो प्रोजेक्ट थ्री इनका देखिए क्या है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ उससे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड लगा रखा है, जो भी है उन्होंने प्रॉपर तरीके से डेकोरेट किया हुआ है। देखिए मॉडर्न एजुकेशनल ऑफ इंटरटेनमेंट है ना, तो ये सारी चीज़ें कर रखी हैं, इसको देख लीजिएगा आप। एजुकेशनल इंटरटेनमेंट उसके बारे में बताया है, फिर हिस्ट्री बताई है उसकी एक पेज पे, ठीक है। हिस्ट्री के बाद इन्होंने एप्लीकेशन बताई है और एप्लीकेशन में सारी चीज़ें बताई हैं क्या क्या होता है। फिर ये इमेज लगा रखी है। नेक्स्ट पेज में इन्होंने हेल्थ केयर गेम्स ये सारी चीज़ें बता रखी हैं डिटेल में। फिर यहाँ पे ऐसे रिलेट किया हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा फिर, ठीक है। और ये सारी चीज़ें बता रखी हैं, आप इसको देखिए, इसी से रिलेटेड इमेज लगा रखी हैं, हिप हॉप लिटरेचर एंड कल्चर वगैरह जो भी है इनका। फिर ये ठीक है, इसी से रिलेटेड आपके थीम पार्क्स हैं तो उसके बारे में बात की है, थीम पार्क्स के बारे में आप देख सकते हैं, जो भी आपको बेटर लगे आप करिए। फिर इफेक्ट इन द क्लासरूम, तो इनका प्रोजेक्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर हम कंक्लूजन पे आते हैं, ठीक है। कंक्लूजन कंप्लीट किया है, उसके बाद इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, माय एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ जो भी है। देन बिब्लियोग्राफी, तो ये आपका EPC 1 का प्रोजेक्ट था जिसमें हमने तीन प्रोजेक्ट की बात की। वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगे, नीडफुल लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ढेर सारा शेयर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, नाउ साइनिंग ऑफ। लर्न विद कॉन्सेप्ट बाय अर्चना विश्वकर्मा।